नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस कोको इंग्लिश अधिकारी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम फिर से एक बार मध्य प्रदेश करंट अफेयर को एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे मध्य प्रदेश से संबंधित, हमने उसे डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ हम जो है आपका 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स हैं, जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है, उन सभी को यहां पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले हफ्ते से ही हमने ये सीरीज शुरू किया है, तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आता है तो आप इसे लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा। और हाँ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो MPPSC की हम बात कर लें, MPSI की बात कर लें, या फिर MP पुलिस की बात हम कर लें, सिविल जज की बात कर लें, या फिर व्यापम द्वारा या फिर MPPSC द्वारा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए या फिर मुख्य परीक्षा के लिए, ये करेंट अफेयर का सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। यहाँ पर हम उन्हीं करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत रेलेवेंट होते हैं, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, वन डे एग्जाम में कर सकें, या फिर मेन्स एग्जामिनेशन में आप वैल्यू एडिशन के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसीलिए अगर आप एक सटीक करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, आप करेंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहते हैं, अगर आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर सिर्फ रेलेवेंट करंट अफेयर ही पढ़ाया जाए, उतना ही पढ़ाया जाए जितना परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है, तो कंपटीशन कम्युनिटी के इस कोको इंग्लिश अधिकारी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि आपको पता है कि MPPSC में किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, MPSI में किस तरह के करंट अफेयर्स आते हैं, MP अगर पुलिस की बात कर लें तो किस तरह के आते हैं, सिविल जज में किस तरह के आते हैं, आपको सब कुछ पता है। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रखा है, या फिर अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुए हैं उसका भी आपने एनालिसिस कर रखा है। उसी आधार पर हम भी एनालिसिस करके कि आने वाले एग्जाम्स में आपसे किस तरह से करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, उन्हीं आधार पर हम इसे तैयार करके सिर्फ जो रेलिवेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जो बहुत ही अलग होते हैं, जिनका परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, उन्हीं करंट अफेयर्स को यहाँ हम डिस्कस किया करते हैं। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उन सभी को यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन डे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बन जाता है, आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्य सचिव और आखिरी महिला मुख्य सचिव, यानी कि जब ये बनी तो पहली थी, उसके बाद से आज तक मध्य प्रदेश में कोई भी महिला मुख्य सचिव नहीं बनी है। तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है इनका निर्मला बुच। हाल ही में इनका निधन हो गया, इसीलिए सुर्खियों में है और आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में 11 अक्टूबर 1925 को। और इनकी मृत्यु कब हुई ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट इनका जन्म पूछ दे, डायरेक्ट इनका मृत्यु पूछ दे, या फिर ये कौन से वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रही, तो ये सारे क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको यहां पर मैं बता रहा हूं, वो बस ध्यान में रखना। 9 जुलाई 2023 को इनकी मृत्यु हुई। इनकी उम्र कितनी थी? तो इनकी उम्र थी 98 ईयर्स, यानी कि 98 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। ठीक, तो प्रदेश की पहली महिला सचिव निर्मला बुच का 98 वर्ष की उम्र में, यहां 88 लिखा हुआ है, ये गलत है, ये 98 ईयर्स होगा। ठीक है, अब ये कब से कब तक मध्य प्रदेश की मुख्य जो है वो सचिव रही थी, सेक्रेटरी रही थी, चीफ सेक्रेटरी, तो ये 1991 से 1993 तक चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश सरकार में थी, यानी कि 2 सालों तक के लिए, याद रखिएगा। निर्मला बुच का अगर हम बात करें, इनके प्रशासनिक जो सफर है वो कब शुरू हुआ था, यानी कि ये 1960 बैच की IAS अधिकारी थी, और यहाँ पे फिर से ये गलत है, 1935 नहीं होगा, 1925 होगा, इसको भी सुधार लीजिएगा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हुआ था। ठीक, 1960 बैच की क्या है, IAS ऑफिसर है। तो इनके बारे में याद रखिएगा कुछ फैक्ट्स, और इनके बारे में अगर आप चाहो तो याद रखूं, ये 90s के दौर में जब उमा भारती का वहां पर सरकार था, तो उस समय उमा भारती मुख्यमंत्री वहां की हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, और उनकी पर्सनल सलाहकार भी थी कौन, निर्मला बुच, इनके बारे में ये भी बातें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। एक स्कीम है जिसका नाम है लाडली बहना योजना। हालांकि इस स्कीम को शुरू किया गया था आपका मार्च 2023 में, लेकिन ये फिर से न्यूज में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो, कभी भी ना कोई भी स्कीम,
या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कैंपेन अगर एक से दो बार या तीन बार चार बार ज्यादा न्यूज में रहता है तो वो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि जो कॉपी बनाने और जो पेपर सेट करने वाले होते हैं उनके माइंडसेट में भी बार बार ये स्कीम जाते रहता है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार फिर से न्यूज में है लाडली बहना योजना, हालांकि इस साल मार्च में ही शुरू किया गया था, लेकिन फिर से दोबारा से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। कब से? 25 जुलाई से। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके लिए जो एलिजिबल महिलाएं हैं वो फिर से अपना यहां पर नॉमिनेशन करा सकती हैं ताकि इस स्कीम का फायदा उन्हें मिल सके। तो ये क्या है स्कीम, इसके बारे में जानते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं या फिर इसकी एलिजिबिलिटी किस प्रकार से है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्कीम कब शुरू किया गया था, तो इस स्कीम को शुरू किया गया था, याद रखिएगा, मार्च 2023 को। किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो वुमेन एम्पावरमेंट, आप अगर एक शब्दों में समझना चाहो, एक लाइन में समझना चाहो, तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है इस स्कीम का उद्देश्य है। कैसे? तो मध्य प्रदेश राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं जो 23 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के हैं, इन महिलाओं को आर्थिक इंपावर करने के लिए या फिर उन पे जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनका अच्छे से देखभाल हो, उनका लालन पोषण जो भी है वो अच्छे से हो, वो अच्छे से पढ़ लिख सके, इसी के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। अब इस स्कीम में इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका एलिजिबिलिटी। हमने डेट देख लिया कब से शुरू किया गया, दोबारा से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 25 जुलाई से, ये एक डेट इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और बेनिफिट्स क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है, तो ये हम चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहला एलिजिबिलिटी देखिए, लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल मध्य प्रदेश की बहनें ही पात्र होंगी, यानी कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वही एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। आवेदन करने के लिए बहनों का विवाहित होना आवश्यक है। विवाहित होने के अलावा अगर वो उनका डाइवोर्स हो चुका है या फिर वो किसी तरह से अगर हो सके उनके हस्बैंड का डेथ हो गया हो तो भी वो इसके लिए एलिजिबल हैं। आवेदक महिला की आयु 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। अभी मैं वहां पर 59 बताया था लेकिन यहाँ पे 60 कर लीजिएगा। अगर 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र है उनकी तो इसके लिए एलिजिबल है। गरीब और निम्न मध्यम परिवार के महिला जो है महिला लाडली बहना योजना के लिए पात्र होंगे। और ध्यान रखिएगा, महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा इनके पास 5 एकड़ से अधिक की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। अगर 5 एकड़ से ज्यादा की भूमि है तो ये इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, और उनके पास में ट्रैक्टर भी नहीं होना चाहिए। इस आवेदन के तहत अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की महिलाएं पात्र होंगी, यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में रहते हैं तो इस स्कीम के लिए पात्र। यहाँ पर कैटेगरी का कोई बैरियर नहीं है, बात समझ आ रही है। अब फायदा क्या होगा इस स्कीम का? तो इस स्कीम का फायदा देखिए कि प्रत्येक महीने इन महिलाओं के जो एलिजिबल हैं उनके बैंक अकाउंट में सीधा 1000 करोड़ रुपए क्रेडिट किया जाएगा प्रत्येक महीने के 10 तारीख को, यानी कि साल में इन्हें मिलेगा इस स्कीम के तहत 12,000 रुपए। और इसके लिए अगले 5 साल तक के लिए राज्य सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 60,000 करोड़ रुपए का जो है वो बजट की बात कही गई है। क्लियर है? तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये इसके एलिजिबिलिटीज हैं, और शुरू में कुछ फैक्ट्स मैंने बताया। तो इस स्कीम से रिलेटेड आप इतनी बातों को याद रखिएगा, परीक्षा में कुछ भी मिस नहीं करेंगे। अगर स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन देता है, कुछ एलिजिबिलिटी का दे दिया, कुछ बेनिफिट्स का दे दिया, कुछ स्कीम शुरुआत का डेट दे दिया, 4-5 पॉइंट्स बनाकर अगर आपको स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे वहां पर सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स को क्या किया, यहाँ पर कवर कर लिया है। क्लियर बात? चलिए, इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कौन सा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं? सोचो, एमबीपीएससी क्रैक करना चाहते हो या एमपीएसआई क्रैक करना चाहते हो, एमपी पुलिस बनना चाहते हो या फिर सिविल जज बनना चाहते हो, पटवारी बनना चाहते हो, कोई सा भी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो जब भी आप इस एग्जाम को क्रैक करोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सरकार आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाएगी, प्रशिक्षण देगी। तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023। यानी कि जब आप एग्जाम क्रैक करके ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो उस ट्रेनिंग में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या सिखाया जाता है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से वहां पर आपको बेनिफिट मिलता है, किन तरीकों से आपको सिखाया जाता है, तो उन्हीं तरीकों को एक नया पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया है ताकि आप और सशक्त बन पाए, और सक्षम बन पाए, और ट्रांसपेरेंट बन पाए, आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी की क्षमता और बढ़ सके, और आप बेहतर तरीके से कार्य कर सके, राज्य सरकार में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके, नए नए आइडिया सोच सके, नए नए थॉट्स लेकर आ सके। इसीलिए
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है क्षमता निर्माण नीति 2023 को जो है इसके प्रस्ताव को मंजूरी हाल ही में दे दी गई है। इससे पहले जो है वो चल रहा था आपका 2001 का प्रशिक्षण नीति, इसी को बदलकर अब 2023 का नया शुरू किया गया। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, लगभग 22 सालों का गैप हो जाता है। इस बीच में नए तरीके से यानी कि जो नई प्रशिक्षण नीति है 2001 का, इस बीच में कोई भी प्रशिक्षण नीति नहीं आया। यानी कि आप भी आज के टाइम पे भी अगर आपको ट्रेनिंग मिलता है या फिर आपके जो दोस्त थे जो एग्जाम क्रैक कर लिए उनको जो ट्रेनिंग मिल रहा था वो यही पुराने वाली नीतियों के हिसाब से मिल रहा था, तो बहुत आउटडेटेड हो चुका था। इसीलिए अब अपडेटेड पॉलिसी लेकर आया गया है ताकि उन्हें नए जनरेशन के हिसाब से, नई जरूरतों के हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। क्लियर है? और इस नीति के अनुसार विभाग में क्षमता निर्माण इकाई का गठन किया जाएगा ताकि आपके अंदर जो है और कैपेबिलिटी, आप और स्ट्रांग हो सके, आपका जो सोचने की क्षमता है वो और विकसित हो सके। इसीलिए यहाँ पे अलग से एक यूनिट का गठन किया गया है और इसके लिए प्रशासन अकादमी को राज्य सरकार के बजट से प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए अलग से प्रदान किए जाएंगे। ये भी बात को आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कितना करोड़ रुपए जो है वो अकादमी को प्रदान किया जाएगा, तो 10 करोड़ रुपए। क्लियर बात है? और प्रत्येक विभाग के बजट में यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग बजट्स होते हैं ना, तो उनके बजट में वेतन मद में उपलब्ध बजट की 1% राशि से नया बजट शीर्ष मिशन कर्मयोगी बनेगा। अच्छा, ये शब्द जो आया वो मिशन कर्मयोगी, ये क्या है आगे मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यहां पर देखो, मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मसौदा तैयार किया गया। लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए जो मसौदा तैयार किया गया था, उनके लिए जो पॉलिसी बनाया गया था, उसे हम कहते हैं मिशन कर्मयोगी। ये केंद्र सरकार का स्कीम था, ठीक। और प्रशासन अकादमी के बजट में 10 करोड़ रुपए मिशन कर्मयोगी के नाम से बजट में शीर्ष में बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम मिशन कर्मयोगी की बात करें, जैसे मैंने इसके बारे में भी बताया, तो ये कब शुरू हुआ था ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 2 सितंबर 2020 को शुरू हुआ था, ताकि यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं या एसएससी एग्जाम क्रैक करने के बाद जो भी उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है, वो मसौदा जो तैयार हुआ था उसमें जो अपडेटेड किया गया था, आउटडेटेड जो था उसे अपडेट किया गया, उसे हम मिशन कर्मयोगी योजना के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी याद रखिएगा, अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला जो है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है राज्यपाल के द्वारा। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम आपको याद रखना है, वो डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य क्या है आपको इतना याद रखना है। ये दो पॉइंट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है प्रदीप्ति। अब यहां से प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रदीप्ति नामक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, किस उद्देश्य के साथ बनाया गया है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्यों बनाया गया है? तो 9 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। इन्होंने ही हाल ही में लोक सेवा आयोग द्वारा एक तैयार की गई है डॉक्यूमेंट्री प्रदीप्ति, इसका राजभवन में लोकार्पण किया गया। अब जैसे देखो, आप एक एस्पिरेंट हो तो जब भी एमपीपीएससी का एग्जाम देते हो या फिर आप एमपी व्यापम का एग्जाम देते हो तो आप फॉर्म फिलअप करने जाते हो, उसमें बहुत सारी चीजें आपसे मिस्टेक हो जाती है या फिर आपको बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जब आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब आप एग्जाम दे लेते हो तो आप जब कॉपी, आपको लगता है कि नहीं मैंने इतना स्कोर किया था मुझे इतने ही नंबर आ रहे हैं, तो आप रीचेकिंग करवाना चाहते हो या फिर हो सकता है आप आरटीआई दायर करना चाहते हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता है, आपको बहुत जगह हाथ पैर मारना पड़ता है। ये सारी समस्याएं आपको ना हो, आप ज्यादा जागरूक हो सके, अपने आयोग के बारे में आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके, आप सक्षम हो सके कि मुझे सारी चीजें पता हो सके, तो आप घर बैठे इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप आयोग के बारे में सब कुछ जान सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, सारी चीजें जो है आपको इसी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पता चल जाएगा। आप कहीं पर भी आपको ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कह सकते हो कि सिंगल विंडो एक सिस्टम होगा जहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य यही है, नाम है प्रदीप्ति, किसके द्वारा जारी किया गया? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। किसके द्वारा लोकार्पित किया गया याद रखिएगा? राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी के द्वारा। ठीक, चलिए अगला और लास्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है सरल संयोजन पोर्टल। पोर्टल का नाम याद रखिएगा, क्या है? सरल संयोजन। अब ये पोर्टल यानी कि जो वेबसाइट बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को नवीन बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर जो बाकी के कंज्यूमर्स हैं, अगर उनको नया कनेक्शन चाहिए तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चार जगह जाने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सरल संयोजन पोर्टल पर विजिट करिए, आप वहां पर न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां से आपको सारी सुविधाएं जो है वो घर बैठे ही मिलेगी। कंपनी द्वारा इस पोर्टल से अभी तक 10 आवेदकों को समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। शुरू होते ही अब दस्तावेज सहित कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से 24 घंटे के भीतर आपको बिजली कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत कॉमन इसका ऑब्जेक्टिव है, इसमें बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि कृषि या फिर जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं, जो नॉर्मल उपभोक्ता हैं, उनको बिजली का कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो सिंपल सा सरल संयोजन पोर्टल इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इस हफ्ते के मध्य प्रदेश करंट अफेयर में कुल 5 टॉपिक्स हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपके पास में कोई सुझाव है, आपके पास में कोई फीडबैक है, देखो बहुत सारे लोग होते हैं, हर किसी के मन में अलग अलग थॉट्स होता है, बहुत प्रकार की चीजें होती हैं, बहुत प्रकार के विचार होते हैं। तो अगर बहुत सारे विचार हमारे पास आएंगे तो हो सकता है कि उसमें से कुछ विचार हमारे लिए फायदेमंद हो और आपको हम बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो अगर किसी भी तरह से कोई भी फीडबैक है, कोई भी अगर आप सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें दें ताकि हम और बेहतर कर सकें। तो फिर से अगर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप बेहतर करंट अफेयर्स ढूंढ रहे हैं या फिर एकदम सटीक करंट अफेयर्स जो एकदम रिलेवेंट है कि इस एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, और भरोसा है कि अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे, सारे करंट अफेयर्स सॉल्व करके आओगे। बस ज़रूरत है तो हम पर भरोसा बनाए रखने की, रेगुलर बेसिस पे आपको वीकली करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का मिलता रहेगा। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को और जगह होगा कॉम्पिटिशन कम्युनिटी मंगला चौक बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।